नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे किसान दिल्ली के पड़ोसी राज्यों से जुड़ने वाली कई सड़कों पर डटकर आंदोलन में लगे हुए हैं। सरकार और किसानों के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई भी बातचीत समस्या का हल निकालने में सफल नहीं हो पाई है। अब दोनों पक्ष 6ठे दौर की बातचीत के लिए बुधवार यानी 9 दिसंबर को मुलाकात करेंगे। इसी बीच किसानों ने मंगलवार यानी 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया है। हरियाणा, पंजाब के अलावा यूपी, दिल्ली, ओडिशा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, एमपी, राजस्थान व तमिलनाडु के किसानों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार इस कानून को वापस ले। टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन व दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन ने भी बंद का समर्थन किया है। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को आम लोगों को टैक्सी और ऑटो लेने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि कई यूनियनों ने भारत बंद का समर्थन किया है। दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रमुख संजय सम्राट के मुताबिक उनके समेत कुछ अन्य टैक्सी संगठन 8 दिसंबर को भारत बंद में भागीदार बनेंगे और काम बंद रखेंगे। कांग्रेस समेत 20 से ज्यादा विपक्षी दलों भी समर्थन में हैं। इसके अलावा 10 ट्रेड यूनियन और पेट्रोल पंप एसोसिएशन भी समर्थन में आ गई है। ऐसे में 8 दिसंबर को पेट्रोल पंप भी बंद रहेंगे। किसान संगठनों ने रविवार को कुंडली बॉर्डर पर 3 घंटे बैठक कर रणनीति बनाई। झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के अलावा वाम दलों समेत विभिन्न गैर राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों ने भी बंद का समर्थन किया है। ऐसे में सड़क और रेल परिचालन को सामान्य बनाए रखना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। बिहार में भी किसानों के इस भारत बंद का असर देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार के विपक्षी पार्टियां भी किसानों के भारत बंद का समर्थन में है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, डीएमके चीफ एमके स्टालिन, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव, लेफ्ट फ्रंट के सीताराम येचुरी और डी राजा समेत भारत के 11 बड़े राजनेताओं ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। किसान नेताओं ने यह भी कहा कि आंदोलन केवल पंजाब के किसानों का नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों का है। बंद का समर्थन करने वालों को अपना झंडा छोड़ किसानों के बैनर तले आना चाहिए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में 3 कृषि विधेयक पारित किया है, जिसको लेकर जबरदस्त विरोध हो रहा है। पहला है कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020। इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य किसानों को अपने उत्पाद नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी यानी तय मंडियों से बाहर बेचने की छूट देना है। इसका लक्ष्य किसानों को उनकी उपज के लिए प्रतिस्पर्धा वैकल्पिक व्यापारिक माध्यमों से लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना है। इस कानून के तहत किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई सेस या फीस नहीं ली जाएगी। यह किसानों के लिए एक नए विकल्प उपलब्ध कराएगा। दूसरा किसान विधेयक है किसान अनुबंधक विधेयक 2020। इस विधेयक के तहत किसानों को उनके होने वाले कृषि उत्पादों को पहले से तय दाम पर बेचने के लिए कृषि व्यवसायी फार्मों, प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ अनुबंध करने का अधिकार मिलेगा। तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। प्रस्तावित कानून आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, प्याज और आलू जैसी कृषि उपज को युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य परिस्थितियों में हटाने का प्रस्ताव करता है, तथा इस तरह की वस्तुओं पर लागू भंडार की सीमा भी समाप्त हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।